Hello student, so myself Narendra Kumar from Vidyamandir Classes. तो इस वीडियो में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं उनके जो क्वेश्चंस है जेई एडवांस में 2007 से 2018 तक के इनका डिस्कशन हम करेंगे. क्लास 11th का पार्ट हम कर चुके हैं सारा, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों कर चुके हैं. अब ये क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगा मैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री. तो आप सारे वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करिए कि मुझे कैसे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है. अब थोड़ा सा मतलब कम टाइम रह गया तो थोड़ा जल्दी से हम करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं 2007 के पेपर से. तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आ गया है, 2007 पेपर वन पे एक क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय. जिंक ब्लेंड जो है जिंक सल्फाइड है, जिंक का एक इंपॉर्टेंट ओर है. तो इसके अंदर ये जिंक एक रिएक्टिव मेटल है. तो जनरली जो हमारे पास में रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए हम कार्बन रिडक्शन मेथड जो है यूज़ कर लेते हैं स्पेशली. तो इसके अंदर जस्ट मैं एक आपको जिंक ब्लेंड जो जिंक सल्फाइड है तो इसके अंदर आप ध्यान सकते हो सल्फाइड के लिए तो एक तो इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो पार्ट है कि इसके अंदर हम फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, फिर इसके अंदर हम रोस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद में हमारे पास में या तो सेल्फ रिडक्शन हो जाता है या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड हम प्रेफर करते हैं. तो जिंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग के बाद में जो है हम कार्बन रिडक्शन मेथड करेंगे. तो ये जो कार्बन रिडक्शन मेथड है वो अदर मेटल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है. तो इसके अंदर नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो जिंक है, ठीक है, आयरन है, निकल है, टिन, ठीक है, इन सब के लिए जो है कार्बन रिडक्शन मेथड जो है वो अक्सर यूज होता रहता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सी आंसर होना चाहिए. और सॉरी, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, नॉट सी, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, दैट इज बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए. तो ये ऑफिशियल आंसर आपको नजर आ रहा है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पी पी बॉन्ड्स इन पी फोर इज. देखिए पी फोर का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप जानते हो कि ये एक ट्राईसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देख सकते हैं. तो पी फोर का जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है काइट शेप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है. तो काइट शेप के अंदर हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अब हर एक फॉस्फरस के पास में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रैबिट ईयर लोब की हेल्प से दिखा सकते हैं. तो अब यहाँ पे फॉस्फरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है फॉस्फरस का. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब हो गया कि इसके अंदर 75% जो है वो p करेक्टर हो जाएगा और 25% जो है वो s करेक्टर आ जाएगा. तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ p करेक्टर इन दी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग pp बॉन्ड इन p4 इज 75% p करेक्टर. तो ये हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर के साथ. तो ऑप्शन डी हमारा ऑफिशियल आंसर इसके अंदर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. आर्गन इज यूज इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स. देखिए आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो मेटल को हम वेल्ड करने के लिए हम आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं. तो आर्क वेल्डिंग के अंदर हाई टेम्परेचर जो है जनरेट होता है. तो अब ये आर्क वेल्डिंग अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में या नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में अगर हम करेंगे तो बेसिकली एक रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे. इतने हाई टेम्परेचर पर मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. कुछ केसेज में एज पर टेम्परेचर हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, बट सभी मेटल के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है. तो बेस्ट रहेगा हम कोई नोबल गैस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज नोबल गैस आर नॉट रिएक्टिव एट ऑल. और उसमें भी जो है नियॉन या आर्गन या हीलियम हम ले सकते हैं. आर्गन मोस्ट एबंडेंट जो है नोबल गैस होती है तो इसलिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी. तो आर्गन को हम यूज़ करेंगे. तो रीज़न इसका हम ये कहेंगे बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी विथ मेटल आर्गन इज यूज इन आर्क वेल्डिंग. तो ये ऑप्शन ए में हमें नज़र आ रहा है. ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं हम इसका. तो ऑप्शन ए इसका जो हमारा ऑफिशियल आंसर नज़र आ रहा है. वेरी इजी क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन है एक टाइप से हम कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने के तरीके आते ही हैं, ठीक है. और अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन अगर है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ सेंट्रल एटम जो है कितने बॉन्ड्स बना रहा है. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको +6 नजर आएगी. तो इसका मतलब जिनॉन 6 बॉन्ड बनाएगा 3 ऑक्सीजन के साथ में. और जिनॉन के वैलेंस शेल में अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन
जो है यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ज़िनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल सा इस टाइप का हमारा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आ गया। यहाँ पे तो ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर इसका कैसा है। सो इट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉट प्लेनर, इट्स नॉट टी शेप, इट्स अ पिरामिडल शेप। बड़ा कॉमन सा शेप है पिरामिडल शेप जो होता है, या पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होता है। वेल नोन एग्जांपल आप अमोनिया को याद रख सकते हो। तो दिस टाइप से अमोनिया में एक लॉन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें भी एक लॉन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर है। तो इसका हमारा आंसर जो है वो सी आंसर आना चाहिए। तो ये सी आंसर हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नाउ फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ज़िनॉन की केमिस्ट्री पर ही बेस्ड। ये ज़िनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड ज़िनॉन हेक्साफ्लोराइड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी। देखिए ज़िनॉन जो है वो एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है और इसका हमने कंपाउंड बना लिया फ्लोरीन के साथ में, और यहाँ पर जो ज़िनॉन की टेंडेंसी है उससे बाहर निकलने के। द कंपाउंड्स ऑफ ज़िनॉन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक इन नेचर का मतलब है कि ये इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, इजीली जो है रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी के भी कांटेक्ट में अगर आएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के ज़िनॉन बाहर निकलना चाहता है। तो वेल नोन प्रॉपर्टी इनकी अगर हम देखेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन अब ज़िनॉन के ये जो दो लोअर फ्लोराइड्स है इनको हम हायर फ्लोराइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में ज़िनॉन का टेट्रा फ्लोराइड है। ज़िनॉन के टेट्रा फ्लोराइड को अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम का फ्लोराइड बन जाएगा और ज़िनॉन जो है वो फ्री हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब इस ज़िनॉन के टेट्रा फ्लोराइड को अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं अंडर प्रॉपर कंडीशन तो ये हेक्सा फ्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। हेक्सा फ्लोराइड को अगर हम फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये ऑक्टा फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ऐसे ऐसे जो है हमारे पास में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होंगे ही होंगे, साथ में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो बेटर तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। यू कांट रूल आउट कि भाई ज़िनॉन यहाँ पे प्लस फोर स्टेट में है तो प्लस सिक्स में जा सकता है ये इजीली। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन एक वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ज़िनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। तो इसमें ए एज वेल एज बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए हम ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। तो ऑफिशियल आंसर को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो आंसर्स गिवन है, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस कैटेगरी का क्वेश्चन था तो इसलिए ए और बी में से कोई एक आपको चूज करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज है दीज आर वेल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज़िनॉन फ्लोराइड्स आर वेल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें अगेन मैच the complexes in column 1 with their properties listed in column 2. Indicate your answer by darkening the appropriate bubbles of the 4x4 matrix given in ORS. तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और उनकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर देखिए ये जो ए ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है, ए ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर हम इसको कह सकते हैं कि Ma4B2 टाइप का है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे हम ये जो है एक तो हमारा पी के साथ ये बिल्कुल मैच करेगा ही करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर आ रही है। यहाँ पे कोबाल्ट को अगर देखेंगे तो कोबाल्ट जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आ रहा है हमें, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोबाल्ट जो है नजर आ रहा है। तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमारा D7 टाइप का हो गया। तो D7 टाइप के अंदर अगर इसको अगर हम देखेंगे तो D7 के अंदर डायमैग्नेटिक तो हो नहीं सकता है क्योंकि 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इनको अरेंज करेंगे तो कोई ना कोई तो अनपेड रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये हमारा जो है वो पैरामैग्नेटिक टाइप भी होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक टाइप की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। नाउ अब इसके अंदर अगर डायमैग्नेटिक नहीं आता लेकिन इसके अंदर कोबाल्ट जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आ रहा है तो ये हमारा SB इसके अंदर नजर आएगा इसके लिए यहाँ पे। नाउ अब हम इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखते हैं तो ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। हमेशा ये ध्यान रखना कि प्लेटिनम के प्लस टू स्टेट में जो कॉम्प्लेक्सेज होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, या पैलेडियम के प्लस टू स्टेट में जो कॉम्प्लेक्सेज होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ये हमेशा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज होंगे और स्क्वायर प्लेनर होंगे, इनवेरिएबली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ये। तो ये दो ऑप्शन तो आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर सकते हो कि ऑल दी कॉम्प्लेक्सेज ऑफ PT2+ एंड PD2+ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर इनवेरिएबली स्क्वायर प्लेनर
कॉम्प्लेक्सेज एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में ऑप्शन बी है, इस ऑप्शन बी को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर जो हमारा नज़र आएगा, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी के अंदर बेसिकली ये ऑप्शन बी के अंदर हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी इसके अंदर और डायमैग्नेटिक होगा और मेटल आयन जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमें नजर आएगा. सो ये ऑप्शन बी के अंदर हमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नज़र आ रही है और ये बेसिकली डायमैग्नेटिक भी है और इसके अंदर हमें मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नज़र आ रहा है. नाउ सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में कोबाल्ट CO H2O5 Cl है, तो इसके अंदर कोबाल्ट अगेन सेम ही प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही है. तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में जो है एज इट इज पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर नज़र नहीं आएगी ये, ठीक है, और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए ये इस टाइप से हमारा आ जाएगा इसके लिए. नाउ निकल को अगर हम देखेंगे तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन में है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे और वाटर भी यानी पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाटर हमारा जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं कराएगा यहाँ पे. तो ये हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होगी, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है लेकिन इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म होगी होगी, ठीक है, और मेटल यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नजर आएगा है. तो ये इसके मेरे हिसाब से जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हो गए. अब आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल आंसर के साथ में इसके अंदर जो है वो क्या है. तो देखिए ए के साथ हम कह रहे हैं पी क्यू और एस आएगा हमारा, और बी के साथ अगर हम कह रहे हैं कि ये पी आर और एस आएगा, तो बी के साथ पी हो गया और आर हो गया और एस हो गया ब्लू लाइन के साथ, और सी के साथ जो है वो क्यू एंड एस हम कह रहे हैं येलो लाइन से, और डी के साथ जो है हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में पैरामैग्नेटिक होगा और मेटल विद प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो क्यू एंड एस. तो ये ऑफिशियल आंसर के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोवेस्ट इन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, बहुत ईजीली आप समझ सकते हो इसके अंदर. देखिए जो मेटल कार्बोनिल है, आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल के अंदर जो हमारा बॉन्ड होता है वो एक मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. तो ये यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड को हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है. अब इस मेटल कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेटल कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह विजुलाइज कर लेते हैं. तो ये कार्बन पे जो है फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, नेट फॉर्मल चार्ज कार्बन पे जो है जीरो हो जाएगा और मेटल पे जो फॉर्मल चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये किस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अब इसमें आप देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस इस टाइप का रेजोनेंस हम इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में मेटल के पास में जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे इस टाइप से डीलोकलाइज अब होगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड या एग्जैक्टली ट्रिपल बॉन्ड टाइप का नहीं होगा. तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इस मेटल पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये डीलोकलाइजेशन होगा और उतना स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और उतना कम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा. तो इसका मतलब डायरेक्टली ये हम कह सकते हैं कि हायर इज दी चार्ज, ग्रेटर इज दी नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, लोवेस्ट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल. तो अब यहाँ पे वेरियस जो ऑप्शन है उनको ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये जो हमारे पास में यहाँ पे मेटल हमारा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और बी और सी के अंदर जो हमारे पास में मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. तो सबसे ज़्यादा जो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी वो ऑप्शन डी के अंदर होगी, सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी डी ऑप्शन में होगी, इसलिए डी ऑप्शन के अंदर सी ओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा. तो ये ऑफिशियल आंसर भी हमें यही कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 पेपर 2 से है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विद KI
gives red precipitate, which dissolves in excess Ki to give a colorless solution. Moreover, the solution of metal ion on treatment with a solution of cobalt-2-thiocyanate gives rise to a deep blue crystalline precipitate. The metal ion is. तो यहाँ पे basically इस question के through examiner जो है आपकी iodide की जो chemistry है उसका knowledge check करना चाहता है. सब चीज़ें learn करना बहुत difficult है, लेकिन आप अगर lab में जाते हो, अक्सर लैब एक्टिविटी अगर करते हो, सॉल्ट एनालिसिस अच्छी तरीके से अगर किया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे ये करेगा, हमारे पास में कोई मेटल आइन है, तो देखिए ये सारे मेटल आइन को अगर हम देख लेते हैं, तो सारे मेटल आइन के अंदर अगर हमारे पास में ये आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, इस पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप लेड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये लेड आयोडाइड बनेगा, और लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट. क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है. मर्क्यूरिक आयन को अगर हम देखेंगे, Hg2+ को, तो ये मर्क्यूरिक आयोडाइड बनता है, और मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल आयोडाइड है या हैवी मेटल आयोडाइड है ये कलर्ड होंगे, तो ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट होगा. और क्यूप्रिक को अगर आप देखेंगे तो ये तो एक सिंपल सी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, जिसमें क्यूप्रस आयोडाइड और आयोडीन का एक मिक्सचर बन जाता है इसके अंदर, तो ये वाइट प्लस आयोडीन का जो भी येलोइश कलर होगा वो उस टाइप का आपको नजर आएगा, वाइट एंड येलो ये प्रेसिपिटेट होगा. और ये एक्सेस में अगर के आई है तो फिर ये हमारा जो आई टू है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और के आई थ्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और यहाँ पे ये कोबाल्ट 2+ स्टेट में, तो कोबाल्ट 2+ का आयोडाइड अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है, तो ये ब्लैक या फिर येलो कलर का बनेगा. कोबाल्ट के जो आयोडाइड हैं ब्लैक और येलो कलर के, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर तो आ गया यहाँ पे कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो है ऑब्टेंड हो रहा है. अब हम देख लेते हैं कि एक्सेस ऑफ Ki, मोर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थायोसाइनेट गिव्स राइज टू अ डीप ब्लू क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, तो वो चेक कर लेंगे. अब इसके अंदर देखिए, अगर हम एक्सेस ऑफ Ki अगर ऐड कर देते हैं तो ये प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाएगा, और यू नो वेरी वेल कि ये एक K2HgI4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये नेसलेस रिएजेंट बन जाता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर. सिमिलरली ये जो हमारे पास में मर्क्यूरिक आयन जो है, इसको कोबाल्ट ट्रीटमेंट विद अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट-2-थायोसाइनेट, तो कोबाल्ट-2-थायोसाइनेट के साथ इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा न्यू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये भी एक वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, मर्क्यूरिक कोबाल्ट थायोसाइनेट बन जाएगा ये. यहाँ पे इसको एक्सेस में अगर हम डालेंगे तो ये एक न्यू कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके लिए. तो ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक बैलेंसेस को कैलिब्रेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. तो कोबाल्ट 2 थायोसाइनेट गिव्स राइज टू अ डीप ब्लू क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट. तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन बी है. तो चेक कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या कह रहा है. तो ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो वो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑफिशियल आंसर नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज बाई O2, फेरस इज ऑक्सीडाइज बाई आयोडीन, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोरीन, Mn2+ इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोरीन. तो ये यहाँ पे जो एक रिडॉक्स केमिस्ट्री है उसका नॉलेज चेक करना चाहता है. मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि ये जो आपका NCERT की टेक्स्ट बुक है Part 2 या Part 1 कोई भी ले लीजिए आप 12th का, उसके बैक पेजेस को देखेंगे तो उसमें सभी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं. एक बार उसको आप स्टडी करिए और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक कर लीजिए. जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. जो कॉमन अक्सर हम यूज़ करते हैं लाइक जैसे ओजोन यूज़ करते हैं, फ्लोरिन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, मैंगनीज के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, H2O2 यूज़ करते हैं, किस मीडियम में ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ये बहुत हेल्प देता है हमें मतलब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखिए ए ऑप्शन को मैं कंसिडर नहीं करूँगा. हम जानते हैं HCl का सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है ना, हम HCl का सोल्यूशन बना करके रख देते हैं और वो HCl का सोल्यूशन एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो स्टेबल है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है.
इसी टाइप से NaCl एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजीली, सॉल्यूशन फेज में भी नहीं होता. सॉलिड फेज में हो सकता है दिक्कत हो, नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्यूशन फेज में भी सोडियम क्लोराइड को अगर आप बना के रखेंगे एयर के कॉन्टेक्ट में भी आ जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं होता. इस मीन्स क्लोराइड आयन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन. बट इसका रिवर्स अगर हम देखेंगे तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड का सोल्यूशन है वो ईजिली ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है कि आयोडाइड्स कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन और ओजोन. फेरस इज ऑक्सीडाइज बाई आयोडीन. आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि ये फेरस को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा. आयोडाइडाइन इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोरीन. ये एक वेल नोन स्टेटमेंट है. मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज लेस रिएक्टिव हेलोजन. मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हेलोजन. और हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो ग्रुप में डाउनवर्ड जाने से डिक्रीज होती जाएगी. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव. सो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड्स. तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. Mn2+ इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोरीन. नहीं, Mn2+ क्लोरीन से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है. हमेशा हम देखते ही हैं कि इसके Mn2+ जो है एक स्टेबल है, प्लस टू स्टेट के अंदर D5 कॉन्फिग्रेशन है. Mn2+ जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी मैंगनीज की. Mn3+ है, Mn4+ है, Mn5+ है, Mn6+ है, ये जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है. तो ये हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है. तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं. ऑफिशियल आंसर क्या कह रहा है, सी आंसर जो है हमारा इसका ऑफिशियल आंसर हो गया. नाउ 2007 का पेपर 2 का अगेन क्वेश्चन है. अभी टू पेपर 2007 के ही चल रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. नाउ व्हाइल फेरिक आयन इज स्टेबल, Mn3+ इज नॉट स्टेबल इन एसिड सॉल्यूशन बिकॉज. तो ये अगेन आप जो है डी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक टेबल दे रखी है. उस टेबल के अंदर Mn जो मेटल 3+ स्टेट से 2+ स्टेट में जाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है. तो मैंगनीज 3+ का 2+ स्टेट में जो रिडक्शन होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू में होता है. तो इसलिए ये ईजीली जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो आप अगेन रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, Fe3+ से Fe2+ जाने के लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास में, और मैंगनीज 3+ में से मैंगनीज 2+ जाने के लिए ये वैल्यू जो है 1.51 वोल्ट आती है मैंगनीज 3+ के लिए. और आयरन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये +0.77 वोल्ट है. इसलिए फेरिक जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट मैंगनीज जो है वो और ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. Mn3+ में या Mn+4 में या Mn+5 स्टेट में या Mn+6 स्टेट में या फिर Mn+7 स्टेट में इनकी वैल्यू जो है वो और जो है वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. सो दैट्स वाई Mn3+ इज नॉट स्टेबल इन एसिड सोल्यूशन. अगर Mn3+ को एसिड सोल्यूशन में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ये वाटर को ही ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा. वाटर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर को ऑक्सीडाइज करके ये Mn2+ बना देगा और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और ये H+ आयन जो है यहाँ पर फ्री हो जाएंगे. तो हमें दो ऑक्सीजन बनाना है तो ये 4 H+ आयन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे. इसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए और एक ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. तो इसको हम एक ऑक्सीजन के लिए बैलेंस कर लेते हैं. तो दो मैंगनीज हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे. मैंने एक ही वाटर ले लिया तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 4 × 6. तो ये इस टाइप से ये रिएक्शन जो है वाटर का ऑक्सीडेशन कर देता है Mn3+. Mn3+ जो है वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो अब ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि क्या है. तो इवन जैसे अगर आपको देखेंगे तो आप ये कुछ पोटेंशियल्स वगैरह इनको याद रखिए. बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो आपकी टेबल है उस टेबल को आप थोड़ा सा देखिए और इसमें जो कॉमन स्पीसीज है इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को चेक करिए. तो वाटर का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट है. तो ये इसका जो हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा पॉजिटिव है और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम नेगेटिव है. तो इसलिए ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगी. इसका ई नॉट पॉजिटिव आएगा. हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी ये. तो ये ऐसे आप डेटा कलेक्ट करिए आपको बिल्कुल सारी चीज़ें टिप्स पे हो जाएगी. बहुत कॉन्फिडेंटली आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. कोई बहुत ज़्यादा लर्न करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल डिफाइंड थ्योरीज होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिएगा, हमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी. तो इस क्वेश्चन के अंदर फेरिक आयन स्टेबल है और मैंगनीज 3+ जो है स्टेबल नहीं है एसिड सॉल्यूशन के अंदर. तो ऑप्शन कह रहा है O2 ऑक्सीडाइजेस Mn2+ टू Mn3+. Mn2+ स्टेबल होगा, Mn2+ तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. O2 ऑक्सीडाइजेस बोथ Mn2+ टू Mn3+ एंड Fe2+ टू Fe3+. तो ये Fe2+ से Fe3+ में जा सकता है, रस्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन मैंगनीज 2+ स्टेट में हाईली स्टेबल होता है, इजीली 3+ स्टेट में नहीं जा सकता है. फेरिक आयन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन. फेरिक आयन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बट Mn3+ कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन. तो ये ऑफिशियल आंसर भी मैंने आपके लिए रिलीज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है हमने देख लिया है कि ई नॉट वैल्यूज के बेसिस पे मैंगनीज 3+ कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन. तो ये थोड़ा सा मतलब डी ब्लॉक मेटल आयन ट्रांजिशन मेटल आयन की जो केमिस्ट्री है उसका नॉलेज एग्जामिनर चेक करना चाहता है. एंड ऑल थिंग्स आर रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, सो NCERT को आप अच्छे तरीके से स्टडी करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में मैच द रिएक्शन इन कॉलम 1 विथ नेचर ऑफ द रिएक्शन और टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2. इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द अप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन ORS. तो कॉलम 1 के अंदर कुछ रिएक्शंस गिवन है, कॉलम 2 के अंदर इन रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, उनके नेचर के बारे में हमें रिलेट करना है. तो यहाँ पे हम 1x1 ले लेते हैं. देखिए फर्स्ट रिएक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास में सुपर ऑक्साइड आयन है. सुपर ऑक्साइड आयन एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. सारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, बहुत ईजीली हाईली रिएक्टिव होते हैं, ईजीली डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं. तो देखिए ए ऑप्शन के अंदर सुपर ऑक्साइड आयन है. सुपर ऑक्साइड आयन एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डाई एटोमिक स्पीसीज है. तो डाई एटोमिक स्पीसीज के अंदर आप कुछ भी टेट्राहेड्रल टाइप का या प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में सोच नहीं सकते हैं. तो ए ऑप्शन के लिए एक तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और दूसरा हमारे पास में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो पी एंड एस आ जाएगा. बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्रोमेट आयन है. ठीक है, क्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है H+ आयन के साथ. तो अब H+ आयन का क्या ऑक्सीडेशन करेगा, H+ आयन के अंदर तो ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पे ये क्रोमेट आयन की एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी. क्रोमेट आयन की जो है वो एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी. तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो हमारे पास में क्रोमेट आयन है ना, एक कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है. ये H+ को एक्सेप्ट करके H2CrO4 बना लेगा. ठीक है, अब ये अगर H+ जो है वो किसी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी किसी स्ट्रॉन्गर एसिड से अगर आ रहा है, ठीक है, स्पेशली अगर हम एज्यूम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आ रहा है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा. तो यहां से वाटर का लॉस होकर के ये H2Cr2O7 बन सकता है. 2 मोल अगर इसके हम और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक वेल नोन रिएक्शन है. क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे ये हमारे पास में जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप का अटेंड हो जाएगा. pH इंक्रीज कर देंगे तो इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से ये इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा. सो ये जो है हमारे पास में हायर pH पर एग्जिस्ट करेगा, एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करेगा. ये एट हायर pH दिस स्पीसीज डोमिनेट एंड एट लोअर pH दिस स्पीसीज डोमिनेट. तो एसिडिक मीडियम के अंदर डाइक्रोमेट के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा. अब इस डाइक्रोमेट को अगर आप देखेंगे तो इस डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में क्रोमियम है और ये क्रोमियम टेट्राहेड्रली जो है वो ऑक्सीजन से सराउंडेड रहेगा. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रन हो गया ये इस टाइप का, और यहाँ पे ये एक और टेट्राहेड्रन आ गया हमारे पास में. तो ये दो टेट्राहेड्रन जो है वो एक पॉइंट से कनेक्ट हो गए. तो यहाँ पे ये जैसे लिखा है डाइमेरिक ब्रिज्ड टेट्राहेड्रल मेटल आयन, डाइमेरिक ब्रिज्ड
ये डाइमेरिक ब्रिज्ड टेट्राहाइड्रल मेटालाइन हो जाएगा. तो बी के अंदर अगर हम देखेंगे तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ऑप्शन पी नहीं हो सकता है. ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स में होगा नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब पी और एस तो वैसे ही रूल आउट हो गए. अब एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है उसके अंदर, और वो है डाइमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल मेटालाइन, दैट इज आर. तो बी ऑप्शन के लिए बी में सिर्फ आर ही नजर आएगा. सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. MnO4- एक वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिडिक मीडियम में तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. किसी भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो यहाँ पे नाइट्राइट है, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा तो नाइट्रेट ही प्रोड्यूस होगा, और नाइट्रेट जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की स्पीसीज है. तो देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई. वन ऑफ द प्रोडक्ट हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो पी एंड क्यू दोनों यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं सी के लिए. डी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो नाइट्रेट एसिडिक मीडियम में आ गया है, और नाइट्रेट्स इन एसिडिक मीडियम ऑल्सो बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में सोच सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे ये हमारे पास में नाइट्रेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक के अंदर, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू. अब ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये फेरस का सोल्यूशन होगा, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होगा यहाँ पे, तो एक टाइप से डाइल्यूट ही होगा, तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये लास्ट रिएक्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर जो हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की जो केमिस्ट्री है उसका नॉलेज चेक करना चाहता है, क्योंकि ब्राउन रिंग कंपाउंड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम ये रिएक्शन स्टडी करते हैं. फेरस जो है फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट NO के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और ये सल्फेट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में वाटर बन जाएगा इसके लिए. तो यहाँ पे कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जिसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का होगा या डाइमेरिक ब्रिज्ड टेट्राहेड्रल मेटालाइन टाइप का, तो है ही नहीं यहाँ पे. तो डी ऑप्शन के अंदर एक तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही होगा, और रेडॉक्स रिएक्शन के साथ हम ये कह सकते हैं कि क्यू नहीं है, आर भी नहीं होगा, और एस वैसे भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ जस्ट रेडॉक्स नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन. तो ये जस्ट एक रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा हमारा, दैट इज़ पी ऑप्शन. तो ये इसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं. हम ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेते हैं क्या हमारा आंसर आएगा. तो ये ए के अंदर हम पी और एस कह रहे हैं, ए के अंदर हमारा पी और एस हो गया, और बी के अंदर हम आर कह रहे हैं, तो बी के अंदर ओनली आर है यहाँ पे, और सी के अंदर हम पी और क्यू कह रहे हैं, सी के अंदर ये पी और क्यू आ गया हमारा, और डी के अंदर हम ओनली पी कह रहे हैं, और ऑफिशियली ये हमारा पी भी मैच कर गया यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 पेपर वन से है ये. तो 2008 पेपर वन से अगर हम देखेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स क्लोरीन. क्लोरीन सारे हैलोजन्स, मतलब स्पेशली फ्लोरीन क्लोरीन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. किसी भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. लेकिन ये जो हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है इसकी अलग अलग हैलोजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसका प्रोडक्ट अलग अलग होता है. देखिए ये हो सकता है कि आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया. आप रिडॉक्स केमिस्ट्री जो रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में जो टॉपिक दे रखा है उसके क्वेश्चंस को स्टडी करिए. बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उसमें दे रखे हैं. सारी रिएक्शंस को अच्छी तरीके से आप स्टडी करिए, उनसे जो भी कंक्लूजन निकलता है, अच्छा ये इसमें ऑक्सीडाइज होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑल आर वेल नोन इन्फॉर्मेशन. बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं और भी एक्सपेक्टेड है. तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास में सोडियम थायोसल्फेट है, इस सोडियम थायोसल्फेट को अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं, तो ऑल आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देंगे. बट आयोडीन के साथ अगर इसको आप रिएक्ट कराओगे तो आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको ग्रेटर एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये टेट्राथायोनेट के अंदर हो जाएगा. आयोडीमेट्री टाइट्रेशन जो हम करते हैं उसी टाइप का ये आ जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे पर सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +2 आ जाएगी, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 में चला गया, और यहाँ पर सल्फर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हमारे पास में माइनस, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर की अगर हम निकालेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पे.
So these are stronger oxidizing agent. Fluorine, chlorine, bromine, iodine जो है वो stronger oxidizing agent है. और आयोडीन जो है वो इनके रेस्पेक्ट में वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसलिए लेसर एक्सटेंट तक ऑक्सीडेशन होगा, बट ऑक्सीडेशन होगा ही होगा. तो यहाँ पे अब मीडियम के बेसिस पे जो है यहाँ पे आप सल्फेट बना सकते हो या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बना सकते हो. सल्फेट बन सकता है और हाइड्रोजन सल्फेट बन सकता है. जनरली ये जो रिएक्शन है थोड़ा सा न्यूट्रल मीडियम के अंदर होगी. एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. तो उस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्या रिएक्शंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है. सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स. और ये जो आइडिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, एक और हमारे पास में आइडिया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. Na2S2O3 जो है वो एक एंटी क्लोर होता है. एंटी क्लोर का मतलब ब्लीचिंग एक्शन, अगर हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं तो अनयूज क्लोरीन को हमें रिमूव करना होगा. तो एंटी क्लोर की तरह यूज़ होता है. एंटी क्लोर के समय में फिर ये रिएक्शन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ए नहीं होता है, ए आयोडीन के साथ होता है. बी हमारा प्रॉपर ऑप्शन है. सी में कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे. डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा. सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स. तो अब यहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि वाई नॉट ऑप्शन सी, क्योंकि ये तो आपने इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया. क्लोरीन का जो है वो क्या हुआ होगा, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया. क्लोरीन जो है वो NaCl के अंदर नहीं जाएगा, क्लोरीन जो है वो HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. क्लोरीन HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में ये अगर आता है तो हमें NaCl टिक करना चाहिए. नहीं, हमें यहाँ पे ये HCl के अंदर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा इसके लिए. तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ ओनली बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है, नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ अ डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ. तो सिल्वर की जो सिल्वर का एक्सट्रैक्शन है, गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिए. तो इसके अंदर हम बेसिकली एक तो जो भी हमारे पास में ओर होता है, सल्फाइड ओर है या इसका नेटिव ओर है, हम सल्फाइड ओर होने के बावजूद भी उसके अंदर फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ नहीं करते हैं और रोस्टिंग वगैरह नहीं करते हैं. तो नेटिव ओर है यहाँ पे वैसे भी. तो इसके अंदर पहले तो हम सोडियम साइनाइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर का काम करेगा, रिएक्ट कराएंगे ओर को और एक सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फिर इसके अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिंक ऐड करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गए सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के अंदर कि हम सोडियम साइनाइड, ऑक्सीजन और जिंक यूज करते हैं. सोडियम साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिंक जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे. तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या है. तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन होती है. वैसे भी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि नेटिव फॉर्म में जो सिल्वर है उसको आपको पहले सॉल्यूशन फॉर्म में लाना होगा और फिर वापस से उसको जो है रिड्यूस फॉर्म में ले जाना होगा. तो सॉल्यूशन फॉर्म में लाने के लिए मेटल को ऑक्सीडाइज ही करना पड़ेगा. नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, आर्गन तो किसी भी टाइप का एजेंट भी नहीं है. ये तो जस्ट एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो उस लॉजिक से भी अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन नज़र आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सॉल्ट एच ऑन बॉइलिंग विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस ए नॉन इनफ्लेमेबल गैस. द गैस इवोल्यूशन सीजेस आफ्टर सम टाइम. अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू द सेम सॉल्यूशन द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट्स. द कलरलेस सॉल्ट एच इज आर. तो यहाँ पे एक कोई सॉल्ट गिवन है तो ये कोई भी हम एक कलरलेस सॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं. ये हमारे पास में कोई भी एक सॉल्ट हो गया. इस सॉल्ट को बॉयल कर रहे हैं हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ और एक गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है और गैस इवॉल्व हो गई है और साथ में हमारे पास में जो है सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया है. रिमेनिंग सॉल्यूशन, गैस बाहर निकल गई, ये रिमेनिंग सॉल्यूशन है. ना देखिए सारे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर जो हमारा सॉल्ट है वो एक अमोनियम सॉल्ट है. ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ऑल आर अमोनियम सॉल्ट. किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप एल्कली के साथ हीट करते हैं तो हमेशा रिमेंबर अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होगी. ऑल अमोनियम सॉल्ट व्हेन हीटेड विद एल्कली प्रोड्यूस अमोनिया. तो ये जो
नॉन इन्फ्लेमेबल गैस जो है वो एक अमोनिया गैस होगी, वो इन चार में से किसी से भी आ सकता है। तो अभी सॉल्ट का मैं कुछ फॉर्मूला विजुलाइज कर लेता हूँ। ये हमारे पास में NH4X होगा, ये X कोई एक एनाइन है, नॉट नेसेसरली हेलोजन, कुछ भी एनाइन हो सकता है। तो ये गैस रिलीज हो गई और ये जो सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास में जो सॉल्ट रहेगा वो ये NaX टाइप का सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जिंक डस्ट जो है ऐड कर रहे हैं, इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जिंक डस्ट हम ऐड कर रहे हैं। तो जिंक एक रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने का मतलब हो गया कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सो जिंक डस्ट टू द सेम सॉल्यूशन द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट, वापस से अमोनिया गैस इवॉल्व होने लग गई है, फिर से अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होने लगी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्स है वो कोई एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एनाइन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एनाइन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग एनाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही रूल आउट हो गए आपके, क्योंकि इनके एनाइन को अगर आप देखेंगे तो सीएल माइनस से अमोनिया कैसे बन जाएगा, सल्फेट आयन से अमोनिया नहीं बन सकता है। तो सी और डी तो वैसे ही रूल आउट हो गए। ए और बी दोनों अमोनियम सॉल्ट है और दोनों के अंदर जो एनाइन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एनाइन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में ये अगर नाइट्रेट होता तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर ये सोडियम नाइट्रेट होता, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट का जिंक के साथ इजीली रिडक्शन हो सकता है एल्कलाइन मीडियम के अंदर, या अगर ये नाइट्राइट होता यहाँ पे NO2 माइनस अगर सॉल्ट होता तो ये सोल्यूशन के अंदर जो है यहाँ पे बन जाता NaNO2, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय जिंक। सो ऑल नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट व्हेन रिड्यूस्ड बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली गिव्स अमोनिया गैस। तो ये यहाँ पे दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन प्लस फाइव स्टेट में, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो प्लस थ्री स्टेट के अंदर है, और दोनों ही इजीली जो है माइनस थ्री स्टेट के अंदर रिड्यूस हो सकते हैं, और माइनस थ्री एंड जीरो आर क्वाइट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नाइट्रोजन। तो इस ऑप्शन के अंदर जो है ए और बी दोनों ऑप्शन क्लियरली आंसर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ये हमें ऑफिशियल आंसर को अगर देखेंगे तो दोनों हमें नजर आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ टाइप का है और ये कह रहा है देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की केमिस्ट्री पर बेस्ड है। सो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, डिपॉजिट्स हैं इसके। नाइट्रेट्स आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर, सो नाइट्रेट्स जो है वो बेसिकली मोर सॉल्यूबल है। कुछ की वर्ड्स हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाइट्रेट्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस बट माइक्रोब्स डू इट इजीली। नाइट्रेट्स को लेबोरेटरी कंडीशन में बड़ा मुश्किल है रिड्यूस करना, लेकिन जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरियाज है, ये इजीली जो है यहाँ पे इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अमोनिया फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल आइंस, हाइब्रिडाइजेशन इजीली एक्सप्लेन द ईज ऑफ सिग्मा डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ अमोनिया एंड PH3। फॉस्फीन इज अ फ्लेमेबल गैस एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फरस। तो ये तो सिंपल सी जो फॉस्फरस और नाइट्रोजन की केमिस्ट्री है उस पर बेस्ड ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे पास में, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज फॉस्फरस हैव नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमंस। ये तो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉस्फेट्स हैव अ लार्ज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमंस। जैसे जो हम ATP स्टडी करते हैं, ATB एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो DNA और RNA है उनके अंदर जो एक फॉस्फेट बेस होता है उसके साथ फॉस्फेट यूनिट होती है सुगर और बेस के साथ कंबाइन करके DNA जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो बनते हैं। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स आर लेस एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। नो, नाइट्रेट्स आर लेस एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट बिकॉज नाइट्रेट्स आर मोर सोल्यूबल, सो विल वॉश अवे विथ रेन वाटर, सो दे मे हैव हाई परसेंटेज इन सी वाटर। अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रेट्स आर लेस अबंडेंट, सो बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स आर लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज पॉसिबल इन सॉइल,
सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन जो है पॉसिबल होगा. ये तो पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इज डिफिकल्ट. जैसे अगर हम वापस से रिविजिट अगर करते हैं इसको, तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको नजर आएगा ये यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, इसको चेक कर लीजिए. नाइट्रेट्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस. ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है इसको देखो. ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इज पॉसिबल इन सॉइल. नाइट्रेट ऑलरेडी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज है, नाइट्रोजन प्लस फाइव स्टेट के अंदर है, तो फर्दर तो उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता. ऑक्सीजन से आप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर सकते हो, तो सॉइल में नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है. सॉइल में नाइट्रेट का रिडक्शन हो सकता है, और वो भी जो है बड़ा डिफिकल्टी होगा. लेबोरेटरी कंडीशन में तो नहीं होगा, माइक्रोब्स कैन डू इट. तो ये ऑप्शन डी जो है गलत ऑप्शन है हमारा. तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इज पॉसिबल इन सॉइल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो ये सी ऑप्शन हमने करेक्ट चेक किया था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. और एक और पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ पर बेस्ड एक और क्वेश्चन इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, और ये है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज बिटवीन NH3 एंड PS3. NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज स्फेरिकल एस ऑर्बिटल एंड इज लेस डायरेक्शनल. ये तो बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें अमोनिया और PS3 दोनों का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पता है कि ये अमोनिया जो है पिरामिडल टाइप का है, और इसमें एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. PH3 को भी अगर हम देखेंगे तो ये पिरामिडल टाइप का है, और इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है. ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर नजर आएगा, और ये पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 15 के अंदर हम स्टडी करते हैं. एक ग्रुप में डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो जो हाइड्राइड्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होने लगता है, एंगल जो है वो डिक्रीज होने लगता है. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में एंगल है वो नियरली जो है 92 डिग्री के करीब होते हैं. ये तो 92 डिग्री एंगल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारे पास में है वो नॉट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कह सकते हैं, बट परफेक्टली ये हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा है. यहाँ पे परफेक्टली हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ये एंगल क्लोज टू 109 डिग्री होना चाहिए. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा डेविएट कर जाएगा, बट इतना ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए. तो ये ऑप्शन ए जो है रॉन्ग ऑप्शन है. बिटवीन NH3 एंड PS3, NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्फेरिकल एस ऑर्बिटल एंड इज लेस डायरेक्शनल, ये रॉन्ग है. बिटवीन NH3 एंड PS3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई sp3 ऑर्बिटल एंड इज मोर डायरेक्शनल, ये भी रॉन्ग है. बिटवीन NH3 एंड PS3, NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई sp3 ऑर्बिटल एंड इज मोर डायरेक्शनल. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल इन नेचर, तभी तो एक यूनिक शेप बनता है, पिरामिडल टेट्राहेड्रल. सो ऑप्शन सी बेटर ऑप्शन लग रहा है. डी को भी देख लेते हैं. बिटवीन NH3 एंड PS3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्फेरिकल एस ऑर्बिटल एंड इज लेस डायरेक्शनल, ये ठीक है. यहाँ पे स्फेरिकल एस ऑर्बिटल होगा, लेस डायरेक्शनल होगा, लेकिन PS3 बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है. PS3 इज नॉट अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर. NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो हमें नजर भी आते हैं यहाँ पे. जैसे स्टेटमेंट को आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ भी है, अमोनिया फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड हाइब्रिडाइजेशन इजीली एक्सप्लेन द ईज ऑफ सिग्मा डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ NH3 एंड PS3. तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन सी नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फॉस्फरस ऑन रिएक्शन विद NaOH गिव्स PS3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज, तो व्हाइट फॉस्फरस को आप NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो ये जो है हमारा अगेन पैराग्राफ में दे रखा है, PS3 को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसके अंदर व्हाइट फॉस्फरस ऑन रिएक्शन विद NaOH गिव्स PS3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो व्हाइट फॉस्फरस की NaOH के साथ रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक्वस फेज में रिएक्शन हो जाएगी. तो ये बेसिकली फॉस्फरस यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, और ये जस्ट एक मतलब मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे सब्सटेंसेस एल्कली के कॉन्टैक्ट में जब आते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं.
जीरो जो है फॉस्फरस की एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉस्फरस की जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3, -3, +1, +4, +5, PSRE. सो ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ फॉस्फरस डिसप्रपोर्शनेट, तो जीरो जो है वो भी डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, और इसके डिसप्रपोर्शनेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो PS3 होगा एंड NaH2PO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, NaH2PO2 जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये P4 जो है स्प्लिट हो गया P4P के अंदर, और एक P ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो बाकी के P को ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे. तो 3 फॉस्फरस जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और एक फॉस्फरस उन तीनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो -3 में चला जाएगा. जिसका मतलब इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसके 3 एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और एक एटम पी का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. इस टाइप से बन जाएगा ये, तो ये यहाँ पे 3NaOH. ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे सारा का सारा ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है, तो 6 ऑक्सीजन एटम है. हियर वी हैव ओनली 3 ऑक्सीजन एटम, तो 3 ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से वाटर से प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 9 हो गए. तो ये इस टाइप से रिएक्शन हो गए. तो फॉस्फरस, व्हाइट फॉस्फरस एल्कली में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, गिव्स PS3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज डाइमराइजेशन रिएक्शन, नो. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यस. कंडेंसेशन रिएक्शन, नो. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नो. इसमें कोई प्रेसिपिटेट वगैरह नहीं बन रहा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है. तो ये देखिए, अभी हम 2007 से स्टार्ट किया है, 2008 का पेपर 1 चल रहा है, ठीक है. तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक के, 12th के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये मैं आपको एक एनालिसिस भी दे दूंगा कि जिसमें किस टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं 11th क्लास के या 12th क्लास के. तो अगेन आप अपना एक रिविजन स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो. तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़.